अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेसन में हम लोगों ने सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। इसमें हम इस ऑप्शन का मतलब हम ये फ़ायदा ले सकते हैं कि हम अगर किसी किस्म की कैलकुलेशन करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में तो इट्स इजी, मतलब एसक्यूएल में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एसक्यूएल में जो ऑपरेटर्स मौजूद हैं वो सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम क्लॉज में नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। हमारे पास चार ऑपरेटर्स मौजूद हैं, एक ऐड, सब्स्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलिए हम थोड़ा सा आप इसको एज ए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। लेट सपोज इस वक्त मैं यूज सेलेक्ट लास्ट नेम सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट ई नेम सेल, ऐड कर देते हैं 300। फर्स्ट हम इसका पहले का इमेज देखते हैं, फ्रॉम ई एम पी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे 800 160015, तो ये सैलरीज आ गई हमारे सामने। अब हम इसको अगर हम इसको सेलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम सेल ऐड करते हैं 300 फ्रॉम ई एम पी, तो एज यू कैन सी ये देखें लास्ट अमाउंट चेक करें मिलर की 1300 और यहाँ पे 1600 हो चुकी है। इसी तरह सेलेक्ट ई नेम सेल डिवाइडेड बाय 300 फ्रॉम ई एम पी, तो ये देखें। इसी तरह आप दूसरे ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये बताता चलो, जैसे कि आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये किसी किस्म की डेटाबेस में चेंजिंग नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको डिस्प्ले कर रहा है। मीन्स कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ सैलरी को तो ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में किसी किस्म की चेंजिंग हो रही है, ये इनकी सैलरीज डिवाइड हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट्स सिंपली ये सिर्फ आपको रियल टाइम में शो कर रहा है कि सैलरी अगर आप 300 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये उस सिनेरियोज़ में यूज़ होता है कि अगर आपने ये देखना है कि मंथ एवरेज सैलरी किसी की क्या है या डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है, वो भी आगे चल के हम देखेंगे, तो उस उन सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन में ये हेल्पफुल होते हैं ऑपरेटर। या नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं, जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़ा भी है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमेशा प्रायोरिटी लेते हैं एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन में। तो लेट सपोज अगर हम ये दोनों ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो होगा ये कि लेफ्ट हैंड पे अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है तो फर्स्ट पहले डिवाइड होगा, देन इट विल कम टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह पैरेंथेसिस, अगर आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये डिवाइड हो या ये लेट सपोज हाँ डिवाइड हो या पहले मल्टीप्लाई हो, तो यू हैव टू यूज़ पैरेंथेसिस। ठीक है, आपको ब्रैकेट में स्टेटमेंट के डालना पड़ेगा ताकि उसको क्लियर हो कि पहले उसने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। पैरेंथेसिस इज़ टू फोर्स। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम करते हैं सेलेक्ट ई नेम सेल 12, हम मंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं सैलरी से और ऐड कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, देन उसमें ऐड होगी सैलरी फ्रॉम ई एम पी टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सैलरी का कॉलम एक नया कॉलम रन टाइम पे जनरेट हो गया, जिसमें आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 9700
अब इसी को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, सबसे पहले एडिशन होगी, देन जो सैलरी ऐड होगी 100 में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। देखें रिजल्ट्स आर डिफरेंट, ये है फर्क। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपने पहले मल्टीप्लिकेशन या पहले एडिशन या पहले डिवीजन करवानी है, तो वो आप पैरेंथेसिस लाजमी यूज़ करें।